नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी जो खास मेहमान हैं वो हैं सुभद्रा देसाई जी। संगीत साधक हैं, संगीत विचारक हैं, लेखक हैं। और अब जब हम बातचीत शुरू करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि संगीत में और संगीत के विचारों को लेकर इनकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। तो मैं सबसे पहला तो जो मेरा एक स्वाभाविक सा प्रश्न है और जो आपने कई बार अब तक जिसका जवाब दिया होगा, क्योंकि ये पूछा जरूर गया होगा आपसे, कि परिवार में संगीत का शौक तो सबको था, पिता को भी था, माँ को भी था, लेकिन ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि संगीत का कोई घराना है। और उस माहौल से निकल कर ये तय करना कि मुझे संगीत सीखना है, वो भी बहुत कम उम्र में, ये कैसे संभव हुआ? सही कहा, ये सभी लोग पूछते हैं कि आप तो कोई घराने से नहीं हैं, तो आप कैसे इसको? तो ऐसा है कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि आपके साथ, आपके लिए जो तय है वो होना होके ही रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो संगीत की शिक्षा तो मुझे बहुत बचपन से मिल रही थी और घर में संगीत का माहौल तो था ही। मेरी माँ हमेशा ही गाया करती थी, मेरे बाबा इस्तराद बजाते थे और मेरे हमारे घर में सब एक्सटेंडेड फैमिली में सब लोगों के यहाँ गाना बजाया। लेकिन संगीत को कोई प्रोफेशन के रूप से ले सकता है ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं और मैंने भी नहीं सोचा। मेरी माँ पढ़ाती थी कॉलेज में, तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी पढ़ाऊंगी और संस्कृत मेरा विषय था और मैंने पीएचडी करी और फिर मैंने कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन इस बीच जो मेरी मुझे जो शिक्षा मिल रही थी मेरे गुरुजी से, और वो मुझ पे बहुत उसका इम्प्रेशन बन रहा था और मेरे अनजाने में बन रहा, और उस इतना ज्यादा उसके उस संगीत के प्रति आकर्षण था कि कोई ऐसे नहीं था कि दोस्तों के साथ घूम रही हूँ या कुछ करूँ, गाना ही करना है, स्कूल से विद्यालय ही जाना है, गाना सीखने जाना है, घर जाके प्रैक्टिस करने बैठना है, ये कोई मुझे बताता नहीं था, ये अपने आप ये होता था। तो और जब सीखते सीखते मुझे ऐसे जीवन साथी भी ऐसे मिले जो संगीत के और शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रेमी थे, और उन्होंने बेसिकली ये उन्हीं के कारण हुआ, नहीं तो आज मैं LSR में पढ़ा रही होती। तो जब ऐसा समय आया कि मुझे दो लोगों के बीच में एक को चुनना था, तो वो मेरे लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि मैं संगीत के बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं कॉलेज से घर लौट के, मतलब पढ़ा के आते जब मैं 3.5 घंटे तो पढ़ाना ही होता है, उसके बाद और तो घर आती थी तो गला बैठा हुआ होता था और रोती थी छोटे बच्चे जैसे कि मुझे तो गाना गाना। मेरे हस्बैंड ने कहा तुझे गाना गाना है, सब कुछ छोड़ करो, जो होता है देख, मैंने कहा पैसे देखा जाए। तो इस बीच में कहीं कहीं मैं गाना गाने लगी थी और कैसे प्रोग्राम आते थे ये भी नहीं मुझे मिले। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे अवसर मिलने लगे और मैं किसी को पूछती नहीं थी प्रोग्राम की, और मन में सोचती थी कि मेरे गुरु, उनके गुरु, ये सब ऐसे इन लोगों का इसको क्या कहते हैं मापदंड इतना ऊंचा था कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी भी गाना गा पाऊंगी, कभी भी मैं वहां तक तो मैं देख भी नहीं पाती थी, वो इतना आगे था। तो इसलिए ऐसे मैं कभी नहीं सोचती कि हाँ मैं बहुत बड़े गायिका बन जाऊंगी या कुछ, बट मुझे गाना सीखना था और गाना चालू रखना था और गाना ही गा था। तो कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और क्या प्रोग्राम आएगा नहीं आएगा ये सब उस समय सोचना भी छोड़ दिया। लेकिन आपको मैं बताऊँ, वही जो मैंने आपको शुरू में कहा कि कुछ तय होती है नौकरी, तो वो हुआ। कहाँ कहाँ से लोग बुलाने लगे जिनको मैं जानती भी नहीं, बड़े बड़े मुझसे संपर्क करने लगे लोग, मुझे मेरे जो अपने लोग हैं वो पूछते थे कि तुझे तुमने किसको पकड़ा, मैं किसी
मेरे एक ईश्वर है, जो उन्होंने जो तय किया है वो होना है, बस होगा तो होगा, नहीं होगा तो ठीक है, अपना अध्ययन तो चालू ही है। तो रिसर्च का काम करती रही, संगीत सिखाना चालू रहा, और कहीं कहीं से गाना गाने के लिए लोगों ने बुलाया। इस तरह से जैसा चल रहा है वैसा। आपने बहुत संक्षेप में समेट दिया एक बहुत बड़े सफर को, लेकिन वापस मैं जाऊंगा फिर से एक बार आपके बचपन में ही। ये फर्म बिलीव होना कि गाना ही गाना है या गाना ही सीखना है, मैं जानना चाहूंगा कि बचपन में सुनती क्या थी आप, कौन से कलाकार थे जिनको आप सुनती थी, और क्या उनका कोई ऐसा गहरा असर पड़ा कि लगा नहीं सीखना ही है, गाना ही सीखना है, गाना ही मेरा जीवन है। पंडित कुमार गंधर्व जी, ये मेरे गुरु के गुरु हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तो वो दिल्ली आते थे और वो उनके कार्यक्रमों में हम लोग जाते थे, तो कभी वो छूटता नहीं था, जाते ही थे, सुनते ही थे, और ऐसा लगता था कि ये कोई दुनिया ही और है। और उनके स्वर से कानों में और कानों से प्रवेश करके हृदय में वो घर कर लिए थे, कि ऐसा लगता था कि ये इन स्वरों को कभी कभी छुआ जा सकता है, कभी उसको टच कर सकेंगे क्या। तो फिर जब मैं अपने गुरुजी से सीखती थी, वो तो सीखना जारी ही था और अभी भी है, तो मैं देखती थी कि ये एक इट्स अ जर्नी। तो उस स्वर तक पहुंच पाना या नहीं पाना ये प्रश्न नहीं है, लेकिन उस स्वर के प्रति एक समर्पण भावना लेके, उस स्वर के प्रति एक उसमें लगे रहना, ये एक बन गया था अपने आप। तो कुमार जी को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि शायद ईश्वरीय शब्द कुछ हो तो ये है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि मैंने ये सोच लिया कि मैं गायक बनूंगी, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये बात तो जरूर है कि वो स्वर ऐसे खींचते थे कि और कहीं दृष्टि जाती ही नहीं थी। तो आप कहेंगे कि आप तो उनके शैली को क्या कठिन, मैं उनकी शैली बहुत कठिन है, और शैली को समझ पाना मैं अधिक महत्वपूर्ण मानती हूँ। उसको वैसे के वैसे कॉपी करना नहीं, उसके पीछे उनके जो विचार हैं, उनके जो उनका जो डिसिप्लिन है, उनके स्वरों के प्रति जो उनकी भावना है, ये सब चीजें मैं ढूंढना चाहती हूँ। और कहीं हद तक मेरे गुरु जी ने वो मुझे रास्ता भी उन्होंने दिखाया है, और अब मैं उसको मुझे दिखता है, बट पहुंच पाना तो बहुत कठिन है, ये तो नहीं मालूम इस जीवन में होगा कि नहीं, लेकिन यही बात है, ये आकर्षण बहुत स्ट्रांग था। कुमार जी का तो खैर व्यक्तित्व ही ऐसा था, मतलब मुझे सौभाग्य मिला कि मैं प्रभाष जी के थ्रू जानता था उनको, प्रभाष जी बताते थे उनके किस्से खाने पीने से लेके, और किस तरह से उनको खिलाने का शौक था, और किस तरह से खाते खुद इतना सही थे लेकिन बनाने का बहुत शौक था। और राग की आपने बात की, तो राग को तो वो कहते ही थे कि 360 डिग्री से देखना चाहिए। कमाल की उनकी 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 शख्सियत ही कमाल की थी, इसमें तो खैर कोई दोराय ही नहीं है। एक चीज और सुभद्रा जी जानना चाहेंगे और आगे बढ़े इंटरव्यू में, उससे पहले कि दिल्ली आना कैसे हुआ फिर आपका? मैं दिल्ली में ही थी, मैं मेरे पिता माता दोनों दिल्ली में कार्यरत थे, तो इसके दो आपका जन्म लेकिन शायद दिल्ली का नहीं है, बंगाल में। हाँ वही वही वही। तो 2-2.5 साल की उम्र में मैं उनके साथ दिल्ली में आ गई थी, तो 5 साल की उम्र में मैं उनके भी किसी मित्र की बेटी, वो गाना सिखाती थी और लोकल पास में रहती थी, तो उनके पास माँ ले गई, ऐसे सीखना तो शुरू हो गया था। और फिर फॉर्मली सीखना गांधर्व महाविद्यालय में 12 साल की उम्र में मैं आई, और अब
भी नहीं मेरे गुरु जी के पास जुड़ी हुई। तो आपको तो विनय जी से सीखने का भी सौभाग्य मिला और आपने पद्मा जी से भी बारीकियां समझी, मतलब उन लोगों का सानिध्य मिल जाना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े संस्कार का, अपने अपने अंदर संस्कार का पैदा होने जैसा जैसा ही है। एकदम एकदम, मैं और मेरे पति हम दोनों अभी भी भाई जी और अम्मा को हम लोग बहुत याद करते हैं, लगभग हर रोज हर बात पे। ऐसा नहीं कि केवल संगीत के लिए, हर बात पे कुछ ना कुछ बात हो जाती है कि हम भाई जी को जरूर याद करते हैं। कुछ शेयर कीजिए ना हमसे भी, क्या याद करते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी घटना है, ऐसा कौन सा प्रसंग है जो अक्सर आ जाता है, कोई एक प्रसंग हमारे साथ शेयर कीजिए। प्रसंग तो अनेक है। बिल्कुल भाई जी सरल प्रकृति के थे, इतने सरल, और उनके मन मस्तिष्क में संगीत हमेशा चलता रहता था। तो हम लोगों को वो गेम्स, बच्चे थे तो 12-13 साल की उम्र में, और वो हमें गेम्स बताते थे कि तीन ताल, वो धारे लिंदा धारे लिंदा धारे लिंदा धारे लिंदा धारे, अब ये मन में चलते रहना चाहिए। तो वो हम लोगों के बच्चों को गेम्स सिखाए कि पहले पहली बार पूरा अवर हम सब बोलेंगे और हाथ में ताली खाली नहीं दिखाएंगे, तो हम सब लोग जोर से बोलेंगे, उसके बाद 4 आवर हम लोग मन में बोलेंगे, और 5वें आवर्त में आकर जब सम पे पहुंचेंगे तो हम सब धा बोलेंगे, मतलब पहली मात्रा को हम सब एक साथ सम पे आएंगे। ऐसा मजा आता था कि हम सब लोगों ने पहली आवर्त तो बोल दिया सबने एक साथ, बाद में सब मन में सबका लय इधर उधर हो रहा है, और जब धा पे आ रहे हैं 5वें आवर्तन पे सम पे, तो धा 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 ऐसे आ रहा है। तो बात देखिए कितनी गहरी बात है कि मन के अंदर वो तीन ताल उस लय में चलनी चाहिए, वो लय चलनी चाहिए मन के अंदर, धारी दिंदा धारी दिंदा धारी दिंदा धारी दिंदा। अब वो इस गेम के माध्यम से वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि देखो मन में वो लय बरकरार रहनी चाहिए, लय इधर उधर नहीं हो सकती, तो सबका एक साथ भाग पहुंचे। तो ऐसे मजेदार किस्से, बस में जा रहे हैं, बस में जाते जाते हाँ भाई सुभद्रा बुला लिया, अपने पास में बिठा के हाथ में ताली खाली दिखा के बंदिश, नमकीन नहीं बंदिश, चाइनट की बंदिश, मुझे आज भी याद है, वो उन्होंने उस शायद उसी समय बनाया होगा या कब बनाया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस में चलते चलते पूरा ग्रुप जा रहा है बस में, और मैं भाई जी के पास बैठ के वहीं पे हाथ में ताली खाली दिखा के भाई जी मुझे वो बंदिश दिखा रहे हैं। तो ये सब ऐसी एक्सपीरियंसेस हैं जो कभी भी नहीं भूला जा सकता। और फिर कुछ समय के लिए मैं कलकत्ते गई थी, 3 साल जब ग्रेजुएशन मैं कर रही थी उस समय कलकत्ते में चली गई, तो भाई जी जब भी कलकत्ते आते थे तो फोन करते थे मैं आ रहा हूँ, और आके तानपुरा निकालो, और तानपुरा मिलाया और कुछ बैठ के सिखा दिया। ऐसा सारल्य बहुत कम देखने को। सही बात है, और इतने बड़े गुरु तो मुझे लगता है उनकी तो एक एक बात अपने आप में इतने बड़े संस्कार और इतनी बड़ी सीख दे जाती है जो ताउम्र साथ रहती है आपके। जैसे टाइम का जो डिसिप्लिन, ये उनको भी अपने गुरु से मिला होगा, और उन्होंने ऐसा ये डिसिप्लिन हम लोगों में बना दिया। छोटे छोटे बच्चे थे तो अगर 6 बजे रिहर्सल शुरू होना है तो 6 बजे के पहले सब पहुंच जाते थे, तानपुरा मिल जाता रिकॉर्डिंग है तो उस समय, और वो बात मेरे गुरुजी ने उसमें बहुत बहुत अच्छी तरह से उसको निभाया है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वो बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि समय का एक मान करना, अपना समय का मान और दूसरे का समय का मान, तो ये सब चीजें बहुत गंभीर बातें हैं लेकिन बहुत मजे खेल खेल उन्होंने हमें सिखाया। आपकी एक क्लिप है हमारे पास सुभद्रा जी, जिसमें राग भैरव गाया है आपने, तो वो क्लिप देख लेते हैं, फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। Oh,
सुभद्रा जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक विराम ले लेते हैं। कल ठीक रात 9 बजे एक बार फिर हमसे जुड़िएगा और देखिएगा इस बातचीत का दूसरा हिस्सा।